दोस्तों, रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की चिंता ही सता रही थी, क्योंकि रूस भारत को हर महीने करोड़ों डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज्यादातर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ही है, जबकि भारत रूस को तुलनात्मक तौर पर काफी कम चीजें ही एक्सपोर्ट कर पाता है, जो आज भारत के लिए एक काफी बड़ी परेशानी बन चुका है। लेकिन जब से पश्चिमी देशों ने रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रशिया पर प्रतिबंध लगाए, तब से कई जरूरी चीजों के लिए रूस भारत तरफ देख भी रहा है, जिसमें अब एक ऐसा नाम जुड़ चुका है जिसके बिना किसी भी देश की इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती। दरअसल हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, जिसे लेकर द इंडियन एक्सप्रेस ने काफी हैरान करने वाला आर्टिकल रिलीज किया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने रूस को 2.58 लाख टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड निर्यात किया, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 750 करोड़ के आसपास की है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ एक साल पहले भारत रूस को एक टन भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सपोर्ट नहीं किया करता था, जो सिर्फ 11 महीने के पीरियड में 2,50,000 टन को भी पार कर चुका है। दोस्तों, एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंडस्ट्री में किया जाता है, खास करके डिफेंस उपकरणों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से किया जाता है, जिसकी सप्लाई रूस को सबसे ज्यादा यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया करते थे। लेकिन दोनों ही देशों ने अचानक से रूस को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सप्लाई करना बंद कर दिया, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद तो रूस को कुछ भी सप्लाई करने से रहा, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एक पक्का एलाई होने की वजह से रूस के साथ बिजनेस करना अवॉइड कर रहा था। ऐसे में रूस को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि अगर उन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नया कोई सप्लायर जल्दी नहीं खोजा तो उनकी डिफेंस और कई दूसरी इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ सकती है, जो मौजूदा समीकरणों में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और यही वजह है कि रूस ने भारत की तरफ देखा, क्योंकि आज भारत के पास एल्यूमिनियम के काफी बड़े भंडार मौजूद है। भारत का 50% एल्यूमिनियम तो अकेले हमारा एक राज्य उड़ीसा ही प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में भी एल्यूमिनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए रूस को एल्यूमिनियम ऑक्साइड सप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और हमारे लिए ये एक अच्छा मौका था ताकि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके, जो कि आज $30 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों देश अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े डेवलपमेंट हमें कुछ ही समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन एससीओ के मेन इवेंट को अटेंड करने खुद भारत आएंगे, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी की जाएगी, और इसी मीटिंग में बायलेटरल ट्रेड से जुड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारत के एनर्जी इंपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब भारत ने अरब देशों को अपने क्रूड ऑयल पर मनमानी करने का नतीजा दिखा दिया, जिसके बाद सभी ओपेक देशों को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अपने क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ाकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर वे ऐसा न करते तो भारत रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कभी भी नहीं जाता। लेकिन अब चीजें काफी बदल चुकी है, क्योंकि द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिलीज किए गए लेटेस्ट आर्टिकल से इस बात की जानकारी मिली है कि इस साल अप्रैल महीने में भारत ने पूरे ओपेक देशों से अपनी टोटल एनर्जी इंपोर्ट की सिर्फ 46% ही खरीदा, जबकि पिछले साल अप्रैल 2022 में यही आंकड़ा 72% हुआ करता था। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर ही 26% की गिरावट, जो कई बिलियन डॉलर का अमाउंट है, जबकि इसी टाइम पीरियड में रूस से भारत ने अपना टोटल रिक्वायरमेंट का 36% क्रूड ऑयल खरीदा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले ये इंपोर्ट 1% के आसपास हुआ करता था। यानी कि ओपेक देशों को भारत के सामने अकड़ दिखाने का अंजाम उसे मिल रहा है। हालांकि अब अगर ओपेक देश अपनी गलती सुधारने के लिए कोशिश भी करे तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रूस भारत को इतना डिस्काउंट दे रहा है जिसे मैच करना ओपेक देशों के बस की बात नहीं होगी। वहीं पर जब तक यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगे रहेंगे, तब तक भारत को ये डिस्काउंट मिलता रहेगा। वहीं पर अगर आगे चल के रूस भारत को ज्यादा डिस्काउंट ना भी दे तो भी अब दोनों देशों के बीच में शिपिंग रूट इतना मजबूत हो चुका है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रूस की सरकारी क्रूड ऑयल कंपनियां अब भारत में नए ऑफिस भी ओपन कर रही है, ताकि वे भारतीय मार्केट की जरूरतों को समझकर हमें सबसे अच्छा ऑफर दे सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि रूस आने वाले समय में भारत का एक टॉप एनर्जी सप्लायर बना रहेगा, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।